हेलो गाइस, आज हम मोर देन अ मैरिड कपल सीजन 2 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था अकारी ने मेड आउटफिट पहनकर जीरो की विश पूरी करने की कोशिश करी, पर हो कुछ और ही गया था। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में अकारी जीरो से कहती है, मैं प्ले के लिए बाहर जा रही हूँ। जीरो कहते हैं, आने में देर मत करना। अकारी कहते हैं, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। जीरो कहते हैं, हाँ सपने में, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत शोर करती हो, तो अगर तुम लेट आओगी तो मेरी नींद टूट जाएगी। अकारी कहती है, साची और नाथसुमी मेरे साथ आएगी, तुम चिंता मत करो। और क्या तुम मुझे एक लड़की की तरह ट्रीट नहीं कर सकते? ये कहकर वो जा रही थी, पर जीरो उसके शोल्डर पे हाथ रखकर उसे रोक देता है। दोनों का फेस लाल हो रहा था। अकारी पूछती है, क्या हुआ? जीरो कहता है, मैं भूल गया क्या कहने वाला था। अकारी बाय करके चली जाती है। और जीरो सोचता है, उस मेड आउटफिट वाले दिन के बाद से हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। अब अकारी मुझे पहले की तरह देखती भी नहीं, पर मुझे उम्मीद है वो मुझे जानबूझकर अवॉइड नहीं कर रही होगी। पर इस टाइम ही क्यों, वो पॉइंट्स देखता है और सोचता है, सिर्फ स्किन टच वाले रिलेशन से पॉइंट नहीं बढ़ते, एक दूसरे को सपोर्ट करने से पॉइंट्स इफेक्टिवली बढ़ते हैं। क्या बेकार इंसान हूँ मैं, मुझे 6 महीने बाद ये समझ आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पॉइंट्स कम हो रहे हैं, हमारी एक के बाद एक फाइट हो रही है। वो कोई टीवी शो देख रहा था और सोच रहा था, अच्छा तो मैरिड कपल और डेटिंग कपल के बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। वो सोचता है, अगर हमारे पॉइंट्स नहीं बढ़े तो वो मिनामे के साथ पेयर नहीं हो पाएगी, तो वो मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? क्या उसे ये समझ नहीं आ रहा है? वो स्कूल में भी यही सोच रहा था, मैं इस सिचुएशन में क्या करूं? मैं अकेले प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और वो स्पोर्ट्स डे के बहुत सारे पोस्टर्स को फोल्ड कर रहा था। फिर कामो वहाँ आता है और हमेशा की तरह कुछ उल्टी सीधी बातें करके चला जाता है। जीरो कहता है, कम से कम वो जिंदगी के मजे तो ले रहा है। फिर वो सोचता है, मुझे स्नैक्स लेकर घर जाना चाहिए। पर अगर अकारी डाइटिंग पे हुई तो तभी वहाँ नाथसुमी आती है और कहती है, तुमने अभी तक फोल्ड करने का काम फिनिश नहीं किया, हेल्प आ गई है। वो कहती है, मैंने टीचर से बात करी, अगर मैं फोल्ड करने में हेल्प करूंगी तो वो मेरे ग्रेड्स बढ़ा देगी। वो भी वहीं बैठकर फोल्ड करना स्टार्ट करती है। जीरो ऑकवर्ड हो रहा था, वो सोचता है, इसे भी यही बैठना था, ये अपने डेस्क पे भी तो कर सकती है, और इसके सच में बड़े हैं, दिखाने के लिए थैंक्स। नाथसुमी कहती है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने ही वाला है, काश मैं पिंक टीम में हूँ। और वो जीरो से पूछती है, क्या वो चेयरिंग स्क्वाड की हेल्प करवाएगा? जीरो कहता है, इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं। नाथसुमी कहती है, हम सब ने चेयर लीडिंग करने का डिसाइड किया है और अकारी भी करेगी। जीरो सोच रहा था, नाथसुमी उसे ही घूर रही थी। जीरो कहता है, क्या हुआ, कुछ हेल्प चाहिए? नाथसुमी कहती है, अकारी का मेड आउटफिट कैसा था, वो क्यूट लग रही थी ना? जीरो का फेस लाल हो जाता है। वो कहता है, ये किस बात का रेफरेंस दे रही हो? उसे याद आता है, वो आइडिया नाथसुमी ने ही तो सजेस्ट किया था। और नाथसुमी कह रही थी, बताओ ना वो कितनी क्यूट लग रही थी। जीरो कहता है, क्या तुम उस टाइप की चीजों के लिए उसे इनकरेज करना बंद करोगी? मुझे स्ट्रेस हो जाता है। नाथसुमी कहती है, तुम्हारी आईज स्ट्रेस आउट हो जाती है, तुम्हें समझ नहीं आता कहाँ देखना चाहिए। ऑब्वियसली तुम्हें उसकी चीजों को देखना चाहिए। जीरो कहता है, नहीं, प्रॉब्लम मेरे रिएक्शन से है, मुझे समझ नहीं आता मैं उस सिचुएशन में क्या करूं। नाथसुमी कहती है, बस बार बार उसे क्यूट कहा करो। जीरो कहता है, पर अगर मैं वो इंसान नहीं हुआ जिसके मुंह से वो ये सुनना चाहती हो तो मुझमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मैं मुश्किल से ही उसका हस्बैंड बन सका हूँ। नाथसुमी कहती है, क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो, वो चाहती है तुम उसे क्यूट समझो, तुम सच में लड़कियों को नहीं समझ सकते। जीरो कहता है, ऑब्वियसली तुम मेरी बात कर रही हो, मैं ऐसा ही हूँ, उसे मेरे साथ ऐसा करके कुछ नहीं मिलेगा, उसे मीनामी के साथ वो सब करना चाहिए, वो उसे पसंद करती है। नाथसुमी कहती है, लगता है तुम्हें नहीं पता, अकारी ने तुम्हें अभी तक बताया नहीं। जीरो कहता है, क्या, किस बारे में? वो कहती है, अकारी और मीनामी के बारे में, उन दोनों के बीच कुछ नहीं है। अब मैं समझी, तुमने उनकी बातें नहीं सुनी। जीरो पूछता है, कैसी बातें? नाथसुमी कहती है, तुम्हें याद है जब हमने टेस्ट ऑफ करेज किया था, अगर अकारी ने वो पार कर लिया था तो उसे तुम्हें बता देना चाहिए था। जीरो चिल्लाता हुआ कह रहा था, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि उसने मीनामी से कन्फेस किया था? नाथसुमी कहती है, शायद तुम्हें ये उससे ही पूछना चाहिए। फिर वो टेम्पलेट देखकर कहती है, सॉरी मैंने गलत फोल्ड कर दिया, क्या इसे ठीक करने में तुम मेरी हेल्प कर दोगे? जीरो सोच रहा था, मुझे समझ नहीं आया, अकारी ने मीनामी पे गिव अप कर दिया, क्या सच में ऐसा हुआ है? पर उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो घर जाते हुए भी यही सोच रहा था, हम दोनों ने अपने प्यार को पाने के लिए बेस्ट करने का प्रॉमिस किया था और हम यहाँ तक आ गए। वो समर ब्रेक से सब कुछ अपने अंदर ही रखती है, मुझे कुछ भी नहीं बताती। उसे याद आता है जब उनको ए ग्रेड मिले थे, जीरो ने कहा था हम 2 वीक के लिए ही साथ है। वो सोचता है, उस टाइम भी उसने कुछ नहीं कहा, उसे ये सुनकर कैसा लगा होगा? डैम इट, मैं सच में अनरिलायबल हूँ। वो अपना उदास सा फेस लिए घर पहुँचता है। अकारी कहती है, क्या हुआ, तुम सैड दिख रहे हो, आओ मेरे पास बैठो, बताओ क्या हुआ। जीरो सोचता है, ये हमेशा दूसरे के बारे में क्यों सोचती है। वो उसके गले लग जाता है। अकारी चौंक जाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। और वो शर्म से लाल होना स्टार्ट हो चुकी थी, उनके पॉइंट्स बढ़ने लगे थे। अकारी उसे कुछ कहने का ट्राई कर रही थी, पर जीरो से टाइटली हक करके कहता है, अभी के लिए मुझे तुम्हें बोरो करने दो। और अकारी उसे हक करके रोने लगती है।
अगले सीन में जीरो अपने बेडरूम में सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था जो नात्सुमी ने कहा है, अगर वो सच है तो ये बुरा है कि अकारी ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो सोचता है उसे उसके साथ प्रैक्टिकल मैरिज का हिस्सा बनना पड़ेगा जिसने उसे डंप किया है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं मरी जाता। वो कहता है ऐसा हो सकता है कि उसने अभी तक मिनामी पे गिव अप नहीं किया हो, पर अगर ऐसा होता तो नात्सुमी मुझे बता सकती थी। पर उसने कहा था मुझे अकारी से खुद पूछना पड़ेगा। क्या मुझे सच में उससे वो पूछना होगा जो वो इतने टाइम से मुझसे छुपा रही है? फिर वो रेडी होकर बाहर जाने के लिए निकलता है, और वो जैसे ही रूम से निकलता है अकारी अपने रूम में जा ही रही थी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। अकारी पूछती है कहीं जा रही हो? जीरो बताता उसे नींद नहीं आ रही इसीलिए वो बाहर जा रहा है। अकारी कहते क्या मैं भी चलूं? अगले सीन में दोनों एक साथ रात में वॉक कर रहे थे और अकारी अपनी पुरानी स्टोरी सुना रही थी, और जीरो सोच रहा था मेरे साथ इस तरह से आना इसका मतलब है वो अभी भी मेरे साथ ओपन है। मैं सोच रहा हूँ हम एक साथ कैसे दिखते हैं। अकारी उसे बहुत एक्साइटेड लग रही थी। वो सोचता है हम सेम एज के हैं, कोई भी हमें देखकर सोचेगा हम डेट कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ वो किस फीलिंग के साथ मेरे साथ वॉक पे आई है। उनके हाथ एक दूसरे से टच हो रहे थे। जीरो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो मन में कह रहा था हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। उनके हाथ फिर टच होते हैं और उसके मन में अजीब ख्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो मन में कहता है मेरे दिमाग से निकलो। अकारी ऐसा कुछ नहीं सोचती, पर हम देखते हैं अकारी भी लाल हो चुकी थी और वो जो कहानी सुना रही थी वो भी वो भूल गई थी। वो जीरो से सॉरी कहती है और पूछती है मैं कहाँ थी? जीरो भी लाल हो रखा था। वो कहता है तुम डॉग के बारे में कुछ कह रही थी। अकारी खुश होते हुए कहती है हाँ तो मैं डॉग के साथ पार्क गई थी। और फिर वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है और बहुत खुश हो जाती है। जीरो भी उसे देखकर खुश था और अकारी उसके हाथ में हाथ डालती हुई कहती है तुम मेरी स्टोरी सुन भी रहे हो? जीरो कहता है हाँ शायद। अकारी कहती है तुम्हें तो याद भी नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ, ये प्रूफ है तुम नहीं सुन रहे। जीरो कहता है मैंने डॉग के बारे में मेंशन तो किया, इतना काफी नहीं है क्या? और इस प्यार भरे नोक झोंक के साथ सीन अगले दिन स्कूल में शिफ्ट होता है और शियोरी हिमानो को बताती है कि उसने जीरो से पेयर स्विच करने की बात कर ली है। हिमानो पूछती है उसने क्या कहा? शियोरी कहती है उसने कहा हम दोनों मंथ के एंड तक रैंकिंग मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। हिमानो कहती है बस इतना ही? शियोरी कहती है ये भी प्रॉमिस करने जैसा ही हुआ ना? हिमानो कहती है हाँ उस लड़के के केस में तो हाँ। शियोरी कहती है मुझे भी यही लगता है, और जीरो हमेशा ऐसे वेग आंसर ही देता है। हिमानो मन में कह रही थी जीरो मुझे गुस्सा दिला रहा है, पर शायद वो ऐसा कर रहा है जिससे किसी को हर्ट ना हो। वो मन में कहती है मैं शियोरी के बारे में सब जानती हूँ, मैं उससे सबसे ज्यादा बात करती हूँ, उसके सबसे क्लोज हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट करती हूँ। अगर जीरो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं होता तो शियोरी उसकी तरफ देखती भी नहीं। जीरो तुम कब तक उसे इस कर्ज में रखोगे? पर अगर मैं शियोरी की चाइल्डहुड फ्रेंड भी होती तो भी हम एक नहीं हो सकते। और शियोरी उसे थैंक्स कहती है क्योंकि वो हमेशा उसे एडवाइस देती है। हिमानो कहती है हम बेस्टीज है ऐसा मत कहो। शियोरी कहती है अगर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मुझसे छुपाना मत। हिमानो कहती है मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, और वो मन में कहती है झूठ बोलने के लिए सॉरी, पर मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा है। और जीरो कामों से कहता है वो ड्रिंक लेने जा रहा है। ये सुनकर नात्सुमी अकारी को छेड़ने लगती है। वो कहती है तुम्हें भी वेंडिंग मशीन के पास जाने का मन कर रहा होगा ना? अकारी शर्म से लाल होती हुई कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ जीरो कोला ड्रिंक लेने के बारे में सोच रहा था तभी वहाँ हिमानो आ जाती है और कोला ड्रिंक खरीद के उसे देती है, और जितने की वो ड्रिंक थी उतने पैसों का उससे टाइम मांगती है। जीरो सोच रहा था फाइनली किसी लड़की ने मुझे बुलाया और मुझे ऐसा फील हो रहा है ये मुझे मार देगी। वो कहता है अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सॉरी। हिमानो कहती है मैंने सुना है तुम मिनामी के साथ स्विच हो रहे हो। जीरो सरप्राइज होते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता? शियोरी ने बताया। हिमानो कहती है इसमें चौंकने वाली क्या बात है, हम बेस्टीज है, वो मुझे सब बताती है। तो बताओ तुम सच में पेयर चेंज कर रहे हो ना? जीरो कहता है नहीं अभी सब कंफर्म नहीं हुआ है, मैंने शियोरी से बात करी है पर हम सबकी कुछ सिचुएशंस है, इसमें चार लोगों की लाइफ इन्वॉल्व है। हिमानो कहती है तो तुम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, तुम इसे एक्सक्यूज बना रहे हो। जीरो पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो? हिमानो कहती है तुम्हें रियलाइज नहीं होता तुम बहुत विशीवाशी हो, मुझे शियोरी के लिए बुरा लग रहा है। जीरो कहता है तुम बीच में मत आओ। हिमानो उसे पैथेटिक कहती है। वो कहती है तो इस तरह तुम भागते रहोगे, शियोरी तुम्हारे बारे में इतना अच्छा बोलती है पर तुम सच में पैथेटिक हो। जीरो चिल्लाता हुआ कहता है मैंने कहा ना ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो चिल्लाने के लिए सॉरी कहता है और आराम से कहता है अकारी और मुझे और शियोरी और मिनामी को साथ रहते हुए हाफ ईयर हो गया है, पेयर चेंज करने से कोई ना कोई होगा जिसे खुशी नहीं मिलेगी, और मैं अकारी और अपनी बात कर रहा हूँ, अभी तक हमने एक दूसरे की मदद करी है तो अब मैं सेल्फिश नहीं बन सकता। हिमानो कहती है बस यही कहना है तुम्हें, प्लीज मैं भीख मांगती हूँ चीजें क्लियर करो, तुम्हें दिख ही रहा होगा मैं उसके बारे में सब जानती हूँ, उसके चाइल्डहुड फ्रेंड से भी ज्यादा, और वो मुझ पे पूरा भरोसा करती है और इसमें मैं किसी से हार नहीं सकती तुमसे भी नहीं, पर फिर भी मेरे अंदर कुछ है जिसके लिए मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती,
और वो इसीलिए क्योंकि मैं उसके बारे में सब जानती हूँ। मैं समझती हूँ मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, ये सच में बेकार है, पर श्योरी वो तुम्हारे लिए सीरियस है और तुम पे डिपेंड है, तो अगर तुम्हें दिख रहा है तो प्लीज उसको सब क्लियर कर दो। और ये सारी बातें अकारी सुन रही थी और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो मेरी बस यही गुजारिश है, अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही लॉन्ग वीडियोस बनाऊं तो यार लाइक और कमेंट करते रहो। पहले एपिसोड पे आप कर देते हो सीरीज कंटिन्यू रखने के लिए, उसके बाद सब कम हो जाते हैं। मेरे इतने एफर्ट्स के बाद आप कुछ सेकंड तो दे ही सकते हो, तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जाना।